हेलो गाइस, मैं आपको सिखाऊंगी आज चिप्स और पापड़। होली आ रही है तो होली के लिए हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। ओके, हम लोग आलू लेकर आ चुके थे पहले ही, मथुरा से लेकर आए थे ये आलू, तो अब इनका ही चिप्स बनेगा। पोटैटो की पीलिंग उतार लेते हैं, जैसे कि छिलका जिसे कहते हैं। पहले छिलका उतार लेंगे आलू का, फिर उनको कस देंगे चिप्स मशीन में, चिप्स बनाएंगे। तो मैं ये पहले ही रेडी कर चुकी थी, सो मुझे याद आया कि मैं वीडियो बना देती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ चिप्स। सो ये मेरा किचन है, किचन में मैंने ये देखिए ये चिप्स उतारे हैं। देखिए कितना चिप्स है और कितना अच्छा लग रहा है, और चिप्स भी बारीक चिप्स है, कोई ऐसा वो नहीं है हार्ड। और आलू काफ़ी अच्छा है ये देखिए, तो ये बहुत सारे चिप्स उतारे हैं। देखिए ट्रांसपेरेंसी देखिए इसकी कितनी है, मैं आपको सनलाइट में दिखाती हूँ ज़रा, देखिए है ना, पूरा हाथ दिख रहा है पीछे से। सो ये चिप्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले आलू छील लेंगे, फिर चिप्स की मशीन में चिप्स निकाल लेते हैं, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद एक बड़ा बर्तन लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी गैस पर रख दिया है। मैं बना रही हूँ इसमें व्रत वाले चिप्स। सो इसमें जो नमक सॉल्ट जो है, मैंने रॉक सॉल्ट यूज़ किया है, सेंधा नमक व्रत के लिए। सो ये बस तैयार है। अब पानी बॉईल होते के साथ ही, वाटर बॉईल होने के बाद मैं इसमें निकाल लूँगी। इसके नीचे स्टैंड लगा रखा है मैंने प्लेट के ऊपर और इसके नीचे, तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। सो फ्रेंड्स, पानी हमारा बॉईल हो चुका है, अब हमें कुछ नहीं करना है। अपने चिप्स थोड़े से उठाएंगे हम, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े एंड धीरे धीरे स्लो बिल्कुल डालेंगे। इसके बाद हमने चिप्स डाल दिए हैं, अब इन्हें थोड़ा थोड़ा करके चलाएंगे ताकि सारे बराबर से सिक जाएं अच्छे से वो हो। और थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने ये बड़ा वाला लिया है, इसमें पानी भी नहीं वो होएगा और चिप्स भी अच्छे से आ जाएगा। और जो पोनी कलछी वगैरह जिन्हें बोलते हैं हम लोग, उसको लेंगे तो उसमें चिप्स टूटने का डर रहता है। सो इतना मेहनत करने के बाद भी अगर टूटे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे चलाते चलाते देखेंगे, जब हमें लगेगा कि हमारा आलू गलने लगा है, अभी तो टाइम है, अभी कच्चा है, जैसे ही लगेगा हमें गलने लगा है, हम निकाल के उससे पहले तैयार कर देंगे इधर इसके अंदर। ओके, देखिए ऑलमोस्ट हो गया है हमारा चिप्स कंप्लीट। देखिए, देख रहे हैं आप, एकदम वाइट चिप्स है। बस हाँ, इसको जो टाइम लगता है थोड़ा, वो सुखाने में लगता है। हमें वन सिंगल पिप करने के बाद ही इसको हम निकालते हैं और डालते हैं धूप में, जो डालते हैं वो सिंगल सिंगल डालते हैं, ऐसे एक साथ नहीं डालते हैं। बिकॉज क्योंकि ना ये जो चिप्स फिर एक साथ चिपका चिपका हो जाता है इस करके। ओके, सो हमारा ये है तैयार, एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं। ये हो गया पूरा तैयार हमारा चिप्स, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हम निकाल रहे हैं चिप्स, निकालिएगा बस थोड़ा ध्यान से। और इसमें सारा पानी निचड़ जाएगा आपका आराम से, और जो थोड़ा बहुत बचेगा अभी वो बाहर निकल आएगा, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। इसमें डालने के बाद इसके नीचे भी मैंने स्टैंड लगाया, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। स्टैंड लगाने के बाद फिर बिल्कुल पानी नहीं बचेगा, तो काफी ड्राई हो जाएगा तुम्हारा। सो अब हमें क्या करना है, दोबारा से उठाना है थोड़ा सा और चिप्स, और स्लोली स्लोली बिल्कुल डालना है। इसी तरीके से आपके सारे चिप्स तैयार हो जाएंगे बनके। ये रहा चिप्स, सेम प्रोसेस सेम चीजें। उसके बाद जैसे ही मेरा ये सारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हेलो गाइस, देखिए अब हम
एक एक करके चिप्स सुखा रहे हैं, जिसमें कि मेरी बाबू भी हेल्प कर रही है, वानी शर्मा। कम गुस्सा हो गई है वो, उसने एक दो चिप्स तोड़ दिए थे तो मैंने उसको डांट दिया, इस करके वो अब गुस्सा होकर चली गई है मेरे से। ऐसे ही हमें चिप्स सुखाने, कोई भी एक वेस्ट कपड़ा ले लीजिए पर वो होना चाहिए साफ बिल्कुल। तो बस हम इसी तरीके से चिप्स रख देंगे, तो बस हमें इसी तरीके से सारे चिप्स फैला लेने हैं अपने, और धूप आने का इंतज़ार करें। फिर जब धूप आएगी तो ये अपने आप सूख जाएंगे, सूखने के बाद खाने में बहुत मज़ा आएगा हमें, है ना बाबू? आपको कैसे लगते हैं चिप्स, पोटैटो चिप्स? अच्छा, एक हमें हाइजीन का ध्यान रखना होगा थोड़ा, तो हमें अच्छे से बिल्कुल अपने तरीके से जैसे भी सबको पसंद है, हैंड वॉश वगैरह वगैरह जो भी है, और उसके बाद इस पर बिछाना, उसके बाद इसको कवर करके रखना थोड़ा, ताकि इस पर मक्खी मच्छर कुछ ऐसा ना हो कि हमें प्रॉब्लम हो। और हमारे पास बहुत सारे चिप्स हैं, और हमारे पास और मैं, मम्मी और बाबू, हमारे पास बहुत सारे चिप्स हैं ना, तो मच्छर इसको हाथ उठाएगा ना, तो उसकी हाथ जल जाएगा ना, तो वो कलेगी आउच आउच। देखिए रानी को भी पता है। बिल्कुल सही। और ये अभी नीचे वाली नहीं, नीचे नहीं करने हैं हमें, ओनली फैब्रिक पे रखना है बाबू, है ना? हाँ, नीचे नहीं डालना, लेकिन गद्दा हो जाएगा। बिल्कुल, अभी हमारी बाबू ने भी हैंड वॉश किया है, उसके बाद इसमें आई है वो काम करने, है ना? बताओ आप। तो भी खाने जल्दी बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी बच्ची हर चीज में हेल्प कराती है मम्मा की, है ना? उसको अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा मम्मा के साथ काम कराना, हेल्प कराना। और बाकी सबको हेल्प करानी अच्छी लगती है। बच्चों को मम्मा इसकी हेल्प कराना चाहिए, क्यों वानी शर्मा? हेल्प तो करवाना चाहिए, बाकी वो भी अच्छा है। तो बिल्कुल वो बॉबी को गले लगा सकते हैं। तो लाइक कीजिए, कमेंट पे लाइक, और कमेंट पे लाइक जरूर कर ले। वानी के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो आपको कमेंट और लाइक और लाइक कर ले, और सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइब जरूर करें। वेरी गुड। और लाखों में मम्मी की एक ही दर गले दर करना चाहिए। सही बात। और ओके, और कर लो, ठीक और कर लो, कर रखा है। ओके गाइस, अलवाली चंद्र और आपके मम्मी का हेयर कलर ना चिपट हो गया ना, तो आपको भी मम्मी की हेल्प तो आना चाहिए, करना ना चाहिए। हटो आप, बहुत इजी है चिप्स में, कुछ बड़ी बात नहीं होती, है ना? बच्चे खुश हो जाते हैं। हाँ, आपको भी मम्मी की हेयर कलर में ये अच्छी बात होती है। मम्मा की हेल्प करानी चाहिए, है ना? सब बच्चों को करानी चाहिए। ओके, बाय बाय करो, बाय।